तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या रहेगा बिहार इंजीनियरिंग में, मतलब कि डबल ई का कट ऑफ क्या रहेगा बिहार इंजीनियरिंग में, इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। ठीक है, इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल लेना है। ठीक है, मतलब कि डबल ई का कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको टॉप 10 में इलेक्ट्रिकल लेना है तो कितना तक मार्क्स होना चाहिए, मतलब कितना रैंक होना चाहिए आपका, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर आपको टॉप 20 में लेना है तो कितना रैंक होना चाहिए, अगर आपको टॉप 30 में लेना है तो कितना रैंक होना चाहिए, एंड आपको कोई भी बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में लेना है तो कितना आपका यूआर रैंक होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। इलेक्ट्रिकल का कटअप देखेंगे। ठीक है, सो देखो बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट है एंड बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मैंने इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर दिया है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा? बाबू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारे कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग की है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज की है, आपको 100% कहीं ना कहीं ब्रांच मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि हम लोग बात करें कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में कटअप क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, सो देखो अगर टॉप 10 की बात करें तो लगभग अगर हम टॉप 10 में बात करेंगे तो 1500 से 2000 तक जाता है। ठीक है, 2000 तक अगर आपका रैंक है, यूआर रैंक अगर आपका 2000 तक है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्राई कर सकते हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में। कौन सा ब्रांच ट्राई कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल, अगर आपका यूआर रैंक 2000 है तब टॉप 10 में। ठीक है, टॉप 10 में अगर आपका 2000 है या फिर 2500 है तो 2500 ट्राई कर सकते हो, 2500 कंफर्म चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मध्यपुरा हो गया हो तो वहां पे 2700 पे जब मैके कंप्यूटर साइंस मिल जाता है तो फिर इलेक्ट्रिकल का कटअप तो थोड़ा और कम जाएगा, तो 2500 तक यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें टॉप 20 में, टॉप 20 में अगर आपका 5000 रैंक है तो आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा 5 से 6000 तक रैंक है। ठीक है, 5 से 6000 तक रैंक है तो आपको आराम से टॉप 20 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर हम 30 की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके 9000 से 10000 के बीच में रैंक है, ठीक है, 9000 से 10000 के बीच में रैंक है तो आपको टॉप 30 में मिल जाएगा। एंड टॉप 38 की अगर हम बात करें तो अगर आपका रैंक 13500 तक है, ठीक है, 13500 तक है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपका रैंक 2500 तक है तो आपको टॉप 10 में मिल जाएगा, अगर आपका रैंक 5000 से 6000 के बीच में तो टॉप 20 में ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, अगर आपका रैंक अगर 9000 से 10000 के बीच में तो टॉप 30 में। एंड कोई भी बिहार इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो 1350 रैंक है तो मतलब 13500 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल का कटअप बहुत कम जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जब खुद एडमिशन लिया था, ठीक है, मैंने खुद जब एडमिशन लिया था बांका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक है, जीईसी बांका में मैंने जब एडमिशन लिया था उस समय वहां पे बहुत ही कम कैंडिडेट आए थे, मतलब कि बोल सकते हैं कि 60 सीट है, ठीक है, 60 सीट है, लेकिन इसमें से जो पूरा सीट फुल हुआ था आपका मात्र 30 ही सीट फुल हुआ था। ठीक है, एंड 30 जो है वो वैकेंट रह गया था, 30 जो खाली रह गया था, सो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब कि आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इलेक्ट्रिकल आपको न्यू कॉलेज में 100% मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेज में खाली रह जाते हैं, जैसे कि वैशाली हो गया, अब बहुत सारे कॉलेज में हो गया, जैसे बांका हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारे जगह की देख लो। जैसे अभी हम अगर हम एक और कॉलेज की बात करें, बक्सर की बात करें, ठीक है, बक्सर में मुझे आज एक मेरे भाई से बात हुआ, उसने बोला कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एंड मैकेनिकल, ये तीनों का सीट जो है वो खाली रह जाता है। ठीक है, ये तीनों ब्रांच का जो सीट है वो खाली रह जाता है, बाकी अगर हम बात करें सिविल एंड कंप्यूटर साइंस का तो सारा सीट फुल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये सब सारे सीटें खाली रह जा रहे हैं, तो अगर बच्चे 3000 वाले बच्चे 13000 वाले बच्चे अगर ट्राई करते हैं तो उनको ज्यादातर चांस है कि मिल जाएगा। ठीक है, अगर 13000 वाले बच्चे ट्राई करेंगे तो उनको जरूर है मिल जाएगा, क्योंकि सीट खाली रहने से अच्छा है ना कि जो बच्चे चूज करेंगे उनको अलॉट हो जाएगा। सो अगर आपका 13000 रैंक है या फिर 14000 भी रैंक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिहार इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। एंड टॉप कॉलेज की कटअप की डिस्कशन मैंने कर लिया, आई होप आप सभी को सारा चीज समझ में आ गया। अगर सारा चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।